दोस्तों SBI का शानदार ऑफर, मात्र 2 साल की FD पर मिल रहा है 7.9% का ब्याज। तो आइए जानते हैं। देश की सबसे बड़ी बैंक SBI के द्वारा ग्राहकों को बेस्ट ऑफर दिया जा रहा है। बैंक अपने बुजुर्ग ग्राहकों का खास ध्यान रखता है और उनके लिए काफी सारी स्कीम भी चला रहा है। SBI बुजुर्गों को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम स्कीम चला रहा है। SBI सर्वोत्तम स्कीम में ब्याज 7.90% की पेशकश कर रहा है। SBI की सर्वोत्तम स्कीम में PPF, NSC और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की तुलना में ज्यादा ब्याज पेश किया जा रहा है। SBI की इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि केवल 1 साल और 2 साल की ही स्कीम है। इसका मतलब ये है कि ये कम समय में तगड़ा फंड जमा करा सकती है। SBI सर्वोत्तम स्कीम में ग्राहकों को 2 साल की जमा यानी के FD पर 7.40% का ब्याज दिया जा रहा है। ये ब्याज दर साधारण लोगों के लिए है, वहीं बुजुर्गों को इस स्कीम पर 7.90% का ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 1 साल के निवेश पर साधारण लोगों को 7.10% और सीनियर सिटीजन्स को 7.60% का ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए 15 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1 साल की जमा पर सालाना 7.82% है, जबकि 2 साल की जमा पर 8.14% ब्याज मिलता है। 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की बल्क जमा पर बैंक सीनियर सिटीजन्स को 1 साल के लिए 7.77% और 2 साल के लिए 7.61% का ब्याज दे रहा है। इस स्कीम में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। SBI सर्वोत्तम स्कीम में ग्राहकों को मिनिमम 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका रिटायरमेंट हो गया है और उनके पास PF फंड का पैसा भी आया हुआ है। वहीं SBI की इस स्कीम में आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश ऑप्शन मिलता है। बहरहाल इस स्कीम में कब तक पैसा निवेश कर सकते हैं इसकी जानकारी SBI की वेबसाइट पर नहीं है। मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाल पाएंगे पैसा। SBI की सर्वोत्तम स्कीम में समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये नॉन कॉलेबल स्कीम है जिसमें समय से पहले पैसा नहीं ले पाएंगे। यदि आप पहले से पैसा निकालते हैं तो उसका आपको चार्ज भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी SBI के शानदार ऑफर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।